आज हम लोग बहुत कैजुअल मूड में थे और क्योंकि गुरमीत बहुत दिनों के बाद बॉम्बे वापस आया है, देखिए एकदम ब्लैक तो उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इनको एकदम फॉर्मल पहनने को कुछ मन नहीं कर रहा था, उनको अभी अनवाइंडिंग के मूड में है तो हम अनवाइंडिंग जैसे पोशाक में आ गए हैं। शूटिंग 60 दिन के बाद मैं लद्दाख से आया हूँ जहाँ पे -11 था और थोड़ा भी वॉक करने के बाद ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम होती है, बट क्योंकि जेपी सर के साथ शूट कर रहे हैं, जेपी दत्ता के साथ काम करना अलग ही एक्सपीरियंस था। आई थिंक बहुत मैं लकी हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला और जो ट्रेनिंग मैंने की थी इतने सालों तक वो वहाँ पे रंग लाई और एक फौजी बना हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक फौजी बन के वहाँ से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे और आर्मी हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ हूँ तो आधा आर्मी वाला ही हूँ मैं, बट जेपी सर के साथ पल्टन में शूट करते हुए अलग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे। एक एक्टर के लिए यू नो बहुत ही वो लकी होता है जो जेपी दत्ता के साथ काम करता है। वेल वाईकॉम कलर्स वहाँ पे झलक दिखला जा मैं जीता हूँ किया है तो मेरे लिए बहुत दिल के करीब है और ये 10 साल है मैं ऐसे ही चाहता हूँ 20 और 100 साल ऐसे आगे बढ़ते रहे। तो जैसे मैंने कहा कि वी वर इन अ वेरी कैजुअल मूड बिकॉज इतने दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे को मिले तो बहुत ज़्यादा सोच हमने गाउन एलाबोरेट ड्रेसिंग में बिल्कुल नहीं दिया, सारा शाम हमने घर पे चिल किया और उसके बाद एक आई एम जस्ट वेयरिंग अ एश हॉट कुटोर आई एम जस्ट वेयरिंग एंड बाल को ऐसे खुला छोड़ के आ गए। थैंक यू वेरी मच गाइस।